नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम नरेंद्र मोदी और इमरान खान को लिखे खत करतारपुर के लिए की ये मांग। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को खत लिखकर करतारपुर साहिब की पवित्रता बनाए रखने की मांग की है। दोनों देश मिलकर सिखों के तीर्थ यात्रा को आसान बनाने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं। वही रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने दो पत्र लिखे, एक पीएम नरेंद्र मोदी को और दूसरा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को। सिद्धू ने इन खतों में प्रधानमंत्रियों को 5 सुझाव दिए हैं। वही उन्होंने कहा है कि इस कॉरिडोर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कॉन्क्रीट का कोई भी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि करतारपुर साहिब और डेरा बाबा नानक गुरुग्राम साहिब की पवित्रता और शुद्धता हमारे तीर्थयात्रियों के कदमों का इंतजार करती हैं, लेकिन हमारे कदमों से इनके इतिहास, वास्तुकला और पारिस्थितिकी में शरण भी होता है। हम इस पवित्र भूमि का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, तो हमें ये रास्ता आराम से बनाना चाहिए ताकि व्यवसायीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर इसको खराब न किया जाए। वही उन्होंने दोनों नेताओं से मांग की है कि इस पवित्र भूमि की रक्षा हो और तीर्थयात्रियों के लगातार प्रवाह के बीच टिकाऊ और ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे पानी का टिकाऊ इस्तेमाल। उन्होंने सुझाव दिया कि तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर नियंत्रण हो और इस कॉरिडोर में गाड़ियों को चलने से रोका जाए, लोग पैदल ही जाए और सिर्फ बुजुर्गों को वाहन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कहा, अपने खत में लिखा कि कचरा निस्तारण की व्यवस्था सावधानी पूर्वक तैयार कर लागू की जानी चाहिए। प्लास्टिक बैग, बोतल, पैकेज फूड के कूड़े कचरे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।